गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनाटॉमी के अंदर हम बात कर रहे थे रूट एंड स्टेम का। हमने देखा था कि कैसे रूट और स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल में जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। स्टेम और जो डाइकोट और मोनोकोट जो स्टेम है उन दोनों के अंदर बेसिक क्या डिफरेंस होता है, मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करें इसके अंदर लीफ बार की। तो लीफ के अंदर स्टूडेंट हम देखते हैं कि दो सरफेस जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, डोर्सल और वेंट्रल। तो डोर्सल और वेंट्रल जो है वो कौन सी सरफेस है, यानी जैसे प्लांट के ऊपर हमने देखा होगा कि इस प्रकार से लीफ जो भाग है वो लगा हुआ है, इस प्रकार से लीफ जो है वो लगी हुई। तो लीफ के अंदर आप देखेंगे कि जो लोअर सरफेस है लीफ की वो तो कहलाती है वेंट्रल, और अपर जो सरफेस है उस सरफेस को हम बोलते हैं डोर्सल। इनमें स्टूडेंट आप देखिए, यहां पर जो लीफ है मोनोकोट और डाइकोट लीफ में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, यानी हम इनको बाहर से देख करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मोनोकोट की लीफ है और ये डाइकोट की लीफ है। इनके अंदर हमने देखा कि जो डाइकोट लीफ होती है उस डाइकोट लीफ के अंदर क्या कंडीशन प्रेजेंट होती है कि इनमें पाए जाने वाला जो विनेशन है डाइकोट के अंदर, ये विनेशन किस प्रकार का प्रेजेंट होता है, रेटिकुलेट प्रकार का। यानी इनके अंदर जो वेंस प्रेजेंट होती है, ये वेंस इसके अंदर क्या करती है, जालीनुमा संरचना का फॉर्मेशन करती है, यानी इनके अंदर रेटिकुलेट विनेशन जो है वो प्रेजेंट होता है डाइकोट के अंदर। जबकि मोनोकोट की यदि आप लीफ देखते हैं तो मोनोकोट की जो लीव्स होती हैं उनके अंदर आप देखते हैं कि जो वेंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होती हैं, समानांतर पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल विनेशन इसको कहा जाता है। तो लीफ को हम बाहर से देख करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मोनोकोट की लीफ है और ये डाइकोट की लीफ है, वो किससे, इनके अंदर पाया जाने वाला जो विनेशन है, यानी इसके अंदर रेटिकुलेट विनेशन होगा, इसके अंदर पैरेलल विनेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब यदि हम इसकी इंटरनल जो मॉर्फोलॉजी है, यानी इसके जो लीफ की एनाटॉमी है उसके बारे में यदि हम बात करें, तो डाइकोट जो लीफ होती है उसका यदि हम सेक्शन काटते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि बाहर की तरफ ये अपर एपिडर्मिस, नीचे फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, लोअर एपिडर्मिस। पूरा का पूरा इनर जो टिश्यू है इसके अंदर ये क्या कहलाता है, इसका मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट होगा, मेसोफिल टिश्यू जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। डाइकोट के अंदर जो मेसोफिल पार्ट है वो मेसोफिल पार्ट दो भागों में डिफरेंशिएट होता है, यानी यहां पर आप देखेंगे जो अपर एपिडर्मिस है उसकी तरफ मेसोफिल जो है वो किस फॉर्म के अंदर, पैलिसेड लाइक सेल्स के रूप में पाया जाता है, ये पैलिसेड सेल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। जबकि लोअर सरफेस की तरफ ये कैसा प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के रूप में, यानी पैरेन्काइमेटस प्रकार की सेल्स हैं और उन पैरेन्काइमेटस प्रकार की सेल्स के बीच बीच में हमें एयर स्पेस जो है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होती है डाइकोट के अंदर, इसलिए डाइकोट की जो लीफ है उनको हम डोर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं, डोर्सी वेंट्रल, यानी इसमें डोर्सल और वेंट्रल दोनों जो सरफेस हैं उनके अंदर डिफरेंस प्रेजेंट होता है, यानी अपर जो साइड है डोर्सल जो साइड है वहां पर पैलिसेड प्रकार के सेल्स प्रेजेंट है और लोअर जो साइड है वहां पर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पाया जाता है। दूसरी तरफ मोनोकोट जो लीफ है उस मोनोकोट लीफ के अंदर इनको हम आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल कंडीशन पाई जाती है, या इनको हम आइसोबाइलेटरल लीफ इनको बोलते हैं। आइसो मीन्स इक्वल, बाई मीन्स टू, यानी इसकी दोनों जो लेटरल साइड है उनमें पाए जाने वाला जो टिश्यू पार्ट है वो एक जैसा ही प्रेजेंट होता है,
मींस ये पैलिसेड और स्पॉन्जी के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होगा। पूरे भाग के अंदर आप देखेंगे कि अपर और लोअर जो एपिडर्मिस है उस पूरे भाग के बीच में आपको स्पॉन्जी पेरेंटाइमेटस प्रकार की कंडीशन ही देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है ये तो पाई जाती है मोनोकॉट के अंदर, और इस प्रकार की जो कंडीशन है वो पाई जाती है डाइकोट लीव्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो मोनोकॉट और डाइकोट लीव के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है इसको हम डोर्सीवेंट्रल बोलेंगे, इसको हम आइसो बाइलेटरल कंडीशन इसको बोलेंगे। और अगर हम विनेशन की बात करें तो डाइकोट के अंदर जो विनेशन है वो रेटिकुलेट प्रकार का होगा, मोनोकॉट के अंदर जो विनेशन है वो पैरेलल प्रकार का प्रेजेंट होगा। इंटरनल मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें या एनाटॉमी इसकी देखें तो ये दो भाग में डिफरेंशिएट होगा, और इसके अंदर पूरा का पूरा जो मेसोफिल है वो एक ही प्रकार के सेल्स का बना हुआ प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट हमने ये एक बेसिक जो डिफरेंस है स्टेम रूट और लीफ इनके अंदर पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल या इनके जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है उनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये हमने इसके अंदर किया है। नेक्स्ट इसके अंदर हम जो वास्तव में एनाटॉमी का जो भाग है जिसके अंदर हम सूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम है, लीफ के जो टाइप्स हैं फिलोटैक्सी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और लीफ के ऊपर पाए जाने वाले जो अपेंडिजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो इनके अंदर किस प्रकार से होगी, और जो कैम्बियम है उसकी एक्टिविटीज किस प्रकार की होती हैं, नॉर्मल प्रकार की है या एबनॉर्मल प्रकार की है, उन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम इस बात को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स।